हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं हो रही हूँ फटाफट से रेडी, क्योंकि हम हो गए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट और हमें निकलना है रुड़की के लिए, क्योंकि आज वहाँ पर डेट फिक्स हो रही है। तो हम सब जा रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली और हम निकलते हैं। मैं उसमें रेडी हो गई थी। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना रास्ते में, बहुत ज़्यादा, और मेरी तो ना बस आईज ओपन है। मतलब मैं बहुत अच्छे से पैक होके आई थी, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं कार का सफ़र नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वोमिट लगती है, तो मेरे से होता ही नहीं है कार का सफ़र। तो मैं खुश हूँ बाइक के सफ़र में, बट मेरे से कार का बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब हम निकल गए थे और मैं ना गेट रेडी विथ मी नहीं शूट कर पाई बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम नहीं था इतना सा भी। बट हाँ, मैं वहाँ पे जो भी मेकअप रहेगा ना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर शूट करूँगी अगर कर पाई तो। अगर गेस्ट ना हुए ज़्यादा तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, नहीं तो ऐसा होता है ना, क्योंकि गेस्ट ज़्यादा होते हैं तो फिर आप शूट नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो अभी हम निकल गए हैं और शायद हम रुड़की पहुँच गए हैं, क्योंकि मुझे उतना रास्तों का नहीं पता, शाकिर को ज़्यादा पता है। और हम बस पहुँच गए हैं। जो रुड़की वाले होंगे वो कॉमेंट कर देंगे कि हम कौन सी जगह पर हैं और कौन से रोड पर हैं। तो हम रुड़की पहुँच गए थे और हम नानी अम्मी के जाके आपसे मिलते हैं। बचते बचाते हम पहुंच चुके हैं नानी अम्मी के घर पे, और यहाँ पे लगा हुआ है सामान जो डेट में जाएगा, मतलब हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सारा सामान लगाया हुआ है, तो अब मैं ऐसे नहीं बता सकती अलग अलग, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता, बाकी मैंने वीडियो शूट कर ली थी, आप सब देख सकते हो। तो यहाँ पे चल रही है शाकिर की मस्ती, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैं ऊपर आके ऐसी बैठ गई थी, और मुझे ना नींद भी आने लगी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि ना हम उससे पहले ना हम मार्केट वगैरह भी गए थे, तो मैं पूरा तो व्लॉग शूट नहीं कर पाई, इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और अब यहाँ पर ना सब इंजॉय कर रहे हैं, तो डांस वांस बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, और मेरे साथ तो यहाँ पर इतना बड़ी ट्रेजिडी हुई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और पता है क्या हुआ, मैं ना यहाँ पे चाय पी रही थी, और चाय पीते पीते मेरे से ना चाय गिर गई, वो पूरी चाय मेरे पे ही गिर गई थी। और मुझे मतलब मैंने किसी को बताया भी नहीं, ब्लॉग देख के सब देखे मैं ब्लॉग में कि मेरे साथ क्या हुआ था, और मैंने शाकिर को बताया था बस कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं उसे चाय पूरी गिरा देती। और यहाँ पे शाकिर कर रहे थे मस्ती, और जो दुल्हन थी ना हमारी, ये उनको परेशान कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा इनको पीट भी रही थी, बट मैंने वो वाला शूट नहीं किया। फटाफट से हो जाते हैं रेडी, क्योंकि हमें निकलना है डेट लेकर, और 11 बजे का टाइम दिया था, 12:30 बज चुके हैं। और ये वाला लुक आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताना, और आउटफिट वगैरह मेकअप वगैरह सबका कॉमेंट करना। और हम निकल गए थे और इतनी ज्यादा ठंड लग रही है मुझे, मतलब मैंने दो शॉल लिए फिर, क्योंकि मैं ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। ये अरहम है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, ये इतनी सारी बातें कर रहा था ना, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था कि इसकी आवाज़ ही ना आती अगर मैं वैसे रिकॉर्ड करती। और ये मेरी खालजान का बेटा है, और ये बहुत क्यूट भी है, ये बहुत क्यूट क्यूट बातें भी बनाता है। तो मैं उसको बोल रही थी ऐसे ही कि स्माइल करके दिखाओ, अपनी मम्मा का नेम बताओ, और ये मुझसे कह रहा है स्माइल कैसे करते हैं, कितने इनोसेंट होते हैं बच्चे। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट था माशाल्लाह से। Oh,
हम पहुंच गए हैं और फिर हमने एंट्री की होटल में और माशाल्लाह से उनकी पूरी फैमिली ने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया और उनकी फैमिली माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है। और मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगाई और अम्मी ने भी कॉफ़ी मंगाई अपने लिए, तो हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और आप लोग हमारा व्लॉग इंजॉय करो। तो यहाँ पे चल रहा है नाश्ता और फटाफट से नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे रील्स बनाने, क्योंकि शाकिर हमें इंस्टा पे बहुत सारे रील्स अपलोड करते रहते हैं। अगर आपने वहाँ पे हमें फॉलो नहीं किया है तो आप लोग हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारी इंस्टा आईडी है लाइबा शाकिर 2023। यहाँ पे हमने इंस्टा की बहुत अच्छी अच्छी सी रील्स बनाई जो आप हमारी इंस्टाग्राम पे देखोगे और यूट्यूब शॉर्ट पर भी मैं डालूंगी, तो वहाँ पे भी देख लेना। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा इंजॉय किया और शाकिर ने फिर यहाँ पे मुझे बहुत सारा झूला भी झुलाया और फिर हम दूसरी लोकेशन पे गए। यहाँ का मुझे व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे भी हमने वीडियो शूट की थी तो यहाँ की भी वीडियो बहुत अच्छी बहुत ही अमेजिंग आ रही थी। तो अब चलते हैं अम्मी के पास में, क्योंकि बहुत देर हो गई अम्मी के पास से आए हुए, तो फटाफट से मम्मी के पास चलते हैं। यहाँ पे हो चुकी है दूल्हे राजा की एंट्री
और मैं बहुत ज़्यादा लेट आई हूँ, मैंने सब कुछ मिस कर दिया। तो चलें कोई बात नहीं, अभी इतना ही शूट कर लेते हैं। फिर आ गई थी हमारी बारी, तो मैंने और शाकी ने दूल्हे के साथ बहुत सारी फोटोज़ क्लिक कराई और बहुत सारी वीडियोस बनवाई, क्योंकि हमारे दूल्हे राजा ने बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो बहुत अच्छे से सबको हैंडल कर रहे थे, सबको अटेंड कर रहे थे। तो नेचर बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तो माशाल्लाह सबका नेचर इनके घर में बहुत ही अच्छा है, उन्होंने सबको हम सबको बहुत अच्छे से अटेंड किया था। फिर मैंने अम्मी और के साथ भी सबके साथ वीडियो बनवाई, बहुत अच्छे से बहुत ही इंजॉय कर रहे थे हम सब। और यहाँ पे ना ये रिटर्न गिफ्ट्स हैं जो इन्होंने हमें दिए थे, जो डेट लेकर के गए थे ना, तो उन सब के गिफ्ट्स हैं ये। और अब चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 4 बज गए। तो अब हम फटाफट से खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर हमें घर के लिए भी निकलना है और शायद ही हम सहारनपुर के लिए भी निकल जाएँ। खाने में बहुत सारा कुछ था, बट मैंने उतना नहीं खाया था, जो जितना मुझे खाना था मैंने उतना ही लिया था। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। और यहाँ पे शाकिर कर रहे हैं मस्ती, और ये बच्चे इनको बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एक तो ये, और एक इसकी बहन भी है, मैं उसको भी दिखाती हूँ आपको, और वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह से। और ये है इसकी बहन, ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्यूट है, और ये भी हमारे साथ बहुत सारी बातें कर रही थी। तो अब फटाफट से ना घर के लिए निकल जाते हैं, घर के लिए ना मीन्स रुड़की के लिए। तो मैंने हिजाब वगैरह सब कुछ कवर कर लिया था, और अब हम निकल रहे हैं रुड़की के लिए। शायद ही हम सहारनपुर के लिए भी आज ही निकल जाए, बट मुझे पक्का नहीं पता। तो अब इन सब को बोलते हैं अलविदा और चलते हैं अपने घर। माशाल्लाह से यहाँ पे आ गया ना, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। हम निकल गए थे सहारनपुर के लिए, और हम सहारनपुर पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे ना वहीं पे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। फिर वहाँ से फटाफट से आके हम घर के लिए निकल गए थे। मैंने बोला था ना, मुझे पक्का नहीं पता, बट शाकिर ने बोला नहीं आज ही चलता है, नहीं तो कल का पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, और उनको फिर सलोन में भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, और मुझे भी फिर पार्लर में काम रहता है, तो इसलिए ना हम आज ही निकल गए थे। घर पे और ठंड से बहुत बुरा हाल है, क्योंकि सफ़र में हालत और ज़्यादा बुरी हो जाती है। तो सबसे पहले आते ही पहले फ़ोन चार्ज पे लगाया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बैटरी नहीं थी। ये लेंस रिमूव कर लेती हूँ पहले, तो मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ही ज़्यादा, और पार्लर में बल्कि मुझे काम था बट मैं वहाँ पर नहीं गई, तो क्योंकि ना ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैंने कहा मुझे घर पे ही लेके चलो, तो मैं वहाँ पे नहीं गई। अब भी कर लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। तो मैं आपको बता दूँ कि हम वहाँ से फ्री होके जैसे ही घर आए ना, तो शाकिर ने बोला कि हम घर के लिए निकल जाते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा हमें और कल का पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर अम्मी ने बोला चलो ठीक है निकलते हैं। तो फिर हम बहुत जल्दी में ही निकल गए थे रुड़की से, और रुड़की से हम सहारनपुर के लिए ना इतनी ज़्यादा जल्दी में निकले, और हमें ना बहुत ज़्यादा लेट होने वाला था, क्योंकि हम 6 बजे निकले थे वहाँ से, 6 बजने में 5 या 10 ही मिनट थे।
तो हम निकले और हमें ना अंधेरा हो गया था, ठंड इतनी ज्यादा रास्ते में बहुत ज्यादा, और हम निकल गए थे अम्मी मैं और शाकिर। तो इसलिए मैं जब का व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम इतना ज्यादा जल्दी में थे ना, बस आए वहां से आए फटाफट से चेंज किया और फटाफट से सहारनपुर के लिए निकल गए, और फिर यहाँ पे आके फिर मैंने शूट किया था। खाना वाना भी सब कुछ रेडी हो गया था, तो मेकअप भी मैंने सारा रिमूव कर दिया था। और फ्रेंड्स ज़रूर बताना ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, और जल्दी ही शादी भी है तो उसका भी व्लॉग आएगा, तो बहुत सारी अब शॉपिंग शादी जितने भी व्लॉग्स रहेंगे ना मैं आप लोगों के साथ सारे के सारे शेयर करूंगी। आप लोगों को मेरा लुक देखना है आज के मेकअप का, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि मैंने लुक वो कैसे क्रिएट किया था। और आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।